हेलो एवरीवन, आज नागपंचमी है और आज हम अपने स्टूडेंट के साथ दल्हा पहाड़ जाने वाले हैं। आज नागपंचमी के दिन दल्हा पहाड़ में बहुत ही भव्य मेला लगता है, तो हम जाके देखना चाहते हैं कि वहाँ का मेला का नज़ारा कैसे रहता है। साथ ही दल्हा में स्थित जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ। दोस्तों, हम अब दल्हा पहाड़ के लिए निकल चुके हैं। अब देखिए, हम अभी रास्ते में हैं। रास्ते का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत, कितना मनोरम दृश्य है। दोस्तों, हम अब देखिए दल्हा पहाड़ का कुछ खूबसूरत नज़ारा हमें रास्ते से ही दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं कि दूर से कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। हम यही सोच में हैं कि जब दूर से इतना अच्छा लग रहा है तो ये पास से कितना अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं आप, हम यहीं से देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, हम दल्हा मेला में पहुँच चुके हैं। आप इन गाड़ियों को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितना भीड़ भाड़ है। और मेरे साथ मेरे दोस्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दल्हा पहाड़, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है और इतना लोग आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये साउथ है, जगह है। अरे, ये साथ में हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं और हम लोग टीचर हैं। तो हम इन्हीं के कहने पर आज नागपंचमी के अवसर पर दल्हा पहाड़ आए हुए हैं। तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद वहाँ का नज़ारा कैसे होगा। में देखिए, चारों साइड केवल लोग ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको मेले की काफ़ी सामग्रियाँ देखने को मिल सकती है। खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, साथ ही मेले में आने वाले काफ़ी खिलौने, झूले, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बिक रही है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ आसानी से खरीद सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये दल्हा पहाड़ है और यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर काफ़ी खुश देख रहे हैं, यहाँ पर आकर बहुत एक्साइटेड है। मैं हमेशा ही रहता हूँ। तो हम काफ़ी देरी से इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ता के लिए, बाकी नाश्ता अभी तक पहुँचा नहीं है। जो सभी से इंतज़ार है, काफ़ी ज़ोरों से भूख भी लग रही है। हमारा नाश्ता आ गया है। तो नाश्ता करने के बाद अब हम आगे अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे जैसे हम पास पहुंचते जा रहे हैं, दल्हा पहाड़ की खूबसूरत नज़ारा हमें काफ़ी अच्छी, काफ़ी मनमोहक लग रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग दल्हा पहाड़ की खूबसूरती और यहाँ का मेला का दर्शन कर। तो दोस्तों, फाइनली अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। आप आसपास देख सकते हो, यहाँ काफ़ी संख्या में काफ़ी भक्तगण, आसपास के श्रद्धालु यहाँ मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए, जंगल के बीच में कितना खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सभी उपस्थित हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। अंदर लोगों की भीड़ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दूर दूर से लोग आज यहां पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कि आज नागपंचमी है, हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों की काफ़ी भीड़ है। दल्हा पहाड़ में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से लोग भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। आपको मैं इस मंदिर का एक महत्व रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। ऐसी मान्यता है तो यही है दल्हा मंदिर में फाइनली जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण मंदिर के अंदर जाने की कामनाएं लेकर आता है, क्योंकि मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। पारंपरिक महत्व तो है ही, साथ में इसके आसपास का
वातावरण, हरियाली, पहाड़ के नीचे पास की खूबसूरती काफी देख। तो अब हम वापस जा रहे हैं, दर्शन हो चुका है बेलपहाड़। मेकअप नहीं उतार दूंगा, मेरा नाम बदल देना रे। देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर का नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है। सचमुच दोस्तों, यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बादल के ऊपर आ गए हैं। आसपास कितनी खूबसूरती, कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखकर वाकई मन खुश हो गया। दल्हा मंदिर और दल्हा पहाड़ का दर्शन करने के बाद अब हम काफ़ी थक चुके हैं। अब हम वापस अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दल्हा मंदिर और दल्हा पहाड़ का ये खूबसूरत दृश्य कैसे लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।